लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक विच इज़ द यूनाइटेड नेशंस इन द 21st सेंचुरी। अब एक टॉपिक है मिसाल के तौर पर द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 21st सेंचुरी, आगे है ऑब्लीगेशंस एंड लिमिटेशंस। अब इस तरह के टॉपिक्स के अंदर ना होता ये है कि दे हैव गिवन यू द मेन हेडर्स कह लेंगे या मेन वेरिएबल्स ऑन विच यू हैव टू राइट और एक्सपेंड योर क्वेश्चन। पहले ये होता है कि क्वेश्चन आया होता है तो आपको उसके खुद से वेरिएबल्स बनाने होते हैं, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं जिनको आप मेन कंट्रोलिंग आइडिया एस्पेक्ट्स बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले होता है टॉपिक, ठीक है, उसके नीचे आता है उसका एस्पेक्ट, बहुत सारे हो सकते हैं, एक आए या ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं, फिर उस एस्पेक्ट्स के फिर आगे सब एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम बनाते हैं, ठीक है, ये सब एंगल्स बोलने या कुछ भी, ये इस तरह का मैकेनिज्म होता है ओवरऑल आपके टॉपिक को डायसेक्ट करने का। तो हम इसमें देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ने 21st सेंचुरी में उसके क्या ऑब्लिगेशंस थे और क्या लिमिटेशंस रही हैं। तो इससे आपको ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस का भी टॉपिक कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक। बाकी ऑब्वियसली मैंने भी सारी चीज़ें कवर नहीं की, मैंने भी रैंडम बनाया, इसके अंदर मैंने फैक्ट्स फिगर्स, मतलब आपको जब ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं या उसको टॉपिक को डायसेक्ट करते हैं तो यू डोंट हैव नोट्स और एनीथिंग जिससे आप उसके अंदर एक्सप्लेन, मतलब उसके अंदर फैक्ट्स फिगर्स या एक्सप्लेनेशन बढ़ा सकें और आर्गुमेंटेशन। फिर भी जहाँ तक हमने देखा है उसको देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, ओवरऑल पूरा जो भी एक्सप्लेन करना होगा वो करेंगे, और सेकंड में आप बताएंगे ओवरव्यू ऑफ द यूएन, इट्स क्रिएशन एंड पर्पस। तो पता तो चले यूनाइटेड नेशन, मतलब ओवरऑल उसके बारे में भी तो बताएंगे, ऑब्वियसली सबको पता है, लेकिन एक पैराग्राफ इसमें भी आप बताएंगे कब बनी, कैसे हुई, ब्रेटन वुड सिस्टम क्या था 1945 में, क्या हुआ, किस तरीके से बनी, हल्का सा एक पैराग्राफ के अंदर उसका ओवरव्यू देके उसका पर्पस भी इसी में बता देंगे। क्रिएशन कैसे हुई, पूरा ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुई, और इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर वो ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट एंड 45 कंट्रीज मिलके बैठे और सारों ने बना लिया, पर्पज़ ये था यूनिलैटरल कॉपरेशन और ये और वो, सारी चीज़ों को हम आगे पर लेके चलेंगे। ऑब्लिगेशन, अब उस सारे के ऑब्लिगेशन यूनाइटेड स्टेट के अंदर ना 21st सेंचुरी में क्या हैं, ठीक है, ये देखते हैं, फिर आगे उसके अलावा फिर उसमें हम उसके लिमिटेशन देखेंगे और वे फॉरवर्ड देखेंगे। अच्छा, ऑब्लिगेशन में आ गए, सबसे पहले यूएन इज़ मैंडेटेड फॉर द काउंटरिंग यूनिलैटरलिज्म एंड प्रमोटिंग मल्टीलैटरलिज्म। हुआ ये था कि जब यूनाइटेड नेशन का जो पर्पज था ना मेन, वो तो कॉपरेशन था, ठीक है, कॉपरेशन, पीस और मतलब कोई कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, और ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से होनी है जिसके 6 ऑर्गन्स हैं, वो आपको पता ही होंगे। अब इस तरीके से हुआ ये कि इसका मैंडेट तो ये था, अब ओवरऑल उसी से हम मैंडेट निकालते हैं कि वो काउंटर करना चाहिए था उसे यूनिलैटरलिज्म को और प्रमोट करना चाहिए था मल्टीलैटरलिज्म को। इधर में कॉन्सेप्ट, इधर मैं बेसिकली हाईलाइट ये करना चाह रहा हूं कि जो यूनाइटेड यूएस है ना, उसने इंटरवीन किया था अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, इराक के अंदर, सोमालिया वगैरह तो अलग है, इराक के अंदर इंटरवीन किया था। अब ये इंटरवेंशन थी ना इराक वाली, तो बिल्कुल यूनिलैटरल थी ना, इसकी तो यूनाइटेड नेशन ने अप्रूवल भी नहीं दी थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन इसको रोक नहीं सका था, तो ऑब्वियसली फेलियर है उसका, मतलब ऑब्लिगेशन था उसको प्रमोट करने का लेकिन प्रमोट नहीं कर सका, ठीक है, प्रमोट मल्टीलैटरलिज्म करना था लेकिन प्रमोट नहीं कर सका मल्टीलैटरलिज्म। हम देखते हैं 1990s से लेके आपका आफ्टर कोल्ड, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद से लेके 2001 तक तो ये चीज़ नज़र आई हमें मल्टीलैटरलिज्म की, लेकिन उसके बाद नज़र नहीं आई, तो ठीक है, ये आप बताएंगे। सेकंड आप आर्गुमेंट बताएंगे, मेंटेनिंग पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर बाय ब्रिंगिंग स्टेट्स ऑन द टेबल। अब उसका काम ये था कि पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करना है, अब जब टेबल टॉक्स करानी है, पीस करनी है, लेकिन ऐसा हमें होता नहीं नज़र आ रहा था, सारी स्टेट्स अपनी यूनिलैटरलिज्म की पॉलिसी को लेके और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर, पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर तो कहीं से स्टेबल है ही नहीं ना, आप इसमें कैसे आर्गुमेंट बताएंगे। आप बताएंगे देखें चाइना अपनी मर्जी कर रहा है, चाइना ट्रैप का शिकार हो गया, यूएस रिएक्शनरी, उसकी पॉलिसीज हैं चाइना ट्रैप, जैसे चाइना करता है उसके रिएक्शन में वो अपनी पॉलिसी लेता है, तो कहां से ग्लोबल पीस चल रहा है, यूक्रेन वॉर हो गई, तो फिर कहां से पीस कैसे डेवलप हो सका। तो ओवरऑल उसका ऑब्लिगेशन था ये पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करना, जो कि शुरू में मेंटेन किया था, आगे हम लिमिटेशंस बताएंगे, अभी तो फिलहाल हम बता रहे हैं कि पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करना था। नेक्स्ट इज इन्हांसिंग कॉपरेशन इन द टाइम्स ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। अब ओवरऑल करना ये था कि जो इन्हांस करना था कॉपरेशन, मैंने यहाँ बता दिया कि वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रांजिशन के टाइम भी 21st सेंचुरी में उसके ऑब्लिगेशन यही थे बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपका पहले से मल्टीपोलर ऑर्डर था, ठीक है, फिर उसके बाद बाइपोलर हो गया, फिर इस तरीके से यूनिपोलर हुआ, फिर 2000 के बाद से और चेंज हो गया, तो ओवरऑल इन सारे जो ये जो ट्रांजिशन होती है ना, इसके अंदर कॉपरेशन को इन्हांस करना यूएन का काम है, जो कि वो मुश्किल से करता हुआ नज़र आ रहा है, वो आगे हम लिमिटेशंस में देखते जाएंगे, ठीक है, तो इन्हांस करना चाहिए था इसको, इसके अंदर रोल प्ले करना चाहिए था। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम इन एरा ऑफ द एक्सट्रीम पोलराइजेशन। जब से सोशल मीडिया आया ना, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि सोशल मीडिया ने पोलराइजेशन के लेवल्स को ना आसमानों तक पहुँचा दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से
ओवरऑल सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म दुनिया के अंदर आई है। आप यूएस के अंदर टेररिस्ट अटैक्स, वाइट जो करते हैं टेररिस्ट अटैक्स, वो देख ले उठा के, स्कूल अटैक्स देख ले कितने होते हैं, इस्लामोफोबिक अटैक्स कितने होते हैं। तो वो ओवरऑल पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर बढ़ रही है। रिलीजियस भी राइट विंग बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, लेफ्ट विंग अलग होता जा रहा है और डिवीजन क्रिएट होती जा रही है। तो इस सारे सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करना यूएन का काम था, वो हम इसका मेन काम था, तो वो करना चाहिए ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्मोनाइजिंग स्टेट एक्शंस व्हेन स्टेट्स आर द प्लानिंग टू परस्यू अग्रेशन। अच्छा, अब जब स्टेट देख रही है कि भाई मुझे नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मसला है, सॉवरेनिटी की वायलेशन हो रही है, तो मैंने एक्शन लेना है, तो उस मौके पे यूएन को इंटरवीन करके एक हार्मोनाइजिंग सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए बाय टेकिंग फ्रीक्वेंट एंड रैपिड एक्शन। सही है, अब वो करता, अब हमें यूएन हम आगे देखेंगे नहीं नजर आ रहा है कि हो नहीं सक रहा, क्योंकि उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको करना चाहिए था इस तरीके से, जैसे एट द टाइम ऑफ यूएस पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर का टाइम हो गया था बिल्कुल 1999 के अंदर। तो फिर ओवरऑल यूएस ने इंटरवीन किया था एज ए सुपर ग्लोबल पावर और रोका था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को चाहिए था उसकी जगह पर इंटरवीन करे। सही है, ओवरऑल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है इसके अंदर। वैसे अच्छी डेवलपमेंट ये है कि आप इसके अंदर इसराइल और उसकी कौन सा है, सूडान है इसराइल के ऊपर, उसकी डील लिख सकते हैं यहाँ पे। इसराइल सूडान नहीं है, इसराइल लेबनान डील लिख सकते हैं इसके अंदर, कि किस तरीके से उन्होंने डील सरपास करके किया है ये, तो बल्कि हम आगे देखेंगे इसके अंदर। चलें छोड़ें इसको यहाँ पे, आगे डीलिंग विद द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड द इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ द एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये इसका काम था, मैंडेट था इसको ये डील करना, ओवरऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशन खत्म करने चाहिए थे, कश्मीर का इशू सॉल्व करना चाहिए था, आपका पैलेस्टीन का इशू करना चाहिए था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देने चाहिए थे सारों को, लेकिन वो ग्रांट नहीं हो सका। आगे है एलिमिनेटिंग डेडलॉक सिनेरियोज अमंग ग्रेट पावर्स स्पेशली वीटो पावर्स। अब इनको इसको डेडलॉक सिनेरियोस को भी काउंटर करना था, चाहिए था यूनाइटेड नेशंस को, जो कि उसका मैंडेट था। हमने इसके बेसिकली मैंडेट्स बताए कि क्या क्या करना चाहिए था। अब यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ एक एक बता सकते हैं कैसे हुआ था, लेकिन मेन चैलेंज, मेन गेम हमारी आती है लिमिटेशंस पे, कि किस तरह ये सारी चीज़ें करने में यूनाइटेड नेशन फेल होता हुआ नजर आ रहा है हमें 21st सेंचुरी के अंदर। अच्छा, तो देख लेते हैं लिमिटेशंस किस तरीके से हैं। लिमिटेशन फर्स्ट है क्या आपकी, मैंने लिखी है यहाँ पे, ग्रेट पावर्स आर सरपासिंग यूएन फोरम विदाउट इवन हेल्ड अकाउंटेबल। अब ग्रेट पावर जो है ना सरपास कर रही है यूएन के फोरम को, इसमें आप क्या बताएंगे, यूएस एंड इराक, ठीक है, इजराइल अटैक्स, ठीक है, इन पैलेस्टीन, इन ईरान भी लिख सकते हैं, एक दो किए थे उसने जो, ठीक है, नेक्स्ट इज रशियन अटैक। तो यूनिलेटरली पास सरपास करती जा रही है ग्रेट पावर्स यूएन के फोरम को, और यूएन इज यूजलेस, इज हेल्पलेस, के कुछ कर नहीं सक रहा वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आर्गुमेंट में आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट इज इंटांट, बेसिकली वही जो 5 वीटो पावर्स हैं आपकी, ठीक है, वीटो पावर्स। अब सीन ये है कि रोड ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने ना वे ऑफ कॉपरेशन मल्टीलेटरलिज्म। जब कोई मसला आता है वो अपनी वीटो पावर यूज़ करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर्स का यूज़ किया, नॉम चॉम्स्की कहता है, ठीक है, अपनी बुक के अंदर, और वो भी सब इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए, इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सारी चीज़ों को, अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने यूज़ किए, ठीक है। इसमें वीटो पावर्स एक हर्डल है आपकी रशिया यूक्रेन के अंदर, जैसे रशिया यूज़ कर रहा है तो रशिया को टैकल नहीं कर पा रहा आपका यूनाइटेड स्टेट बिकॉज ऑफ द रीजंस के, ये जो इंटांट का प्रोसेस है जिसको आप वीटो पावर का बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी सारी डिवीजन क्रिएट कर रहा है ये जो आपका ये वाला मल्टीपोलर वीटो पावर का सिस्टम है, डिवीजन क्रिएट कर रहा है। किस तरह डिवीजन क्रिएट कर रहा है, इस तरीके से कुछ कुछ एलाइज स्टेट्स एक तरफ चली गई, कुछ एलाइज एक तरफ चले गए। यूएस एलाइज, यूएस के साथ उसके एलाइज हैं, जो कि यूएस उसको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसको डिफेंड करता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर, ठीक है। और इस तरीके से फिर चाइना है और रशिया है, जो अपने कंट्री उसको सपोर्ट करते हैं, अपने अपने एलाइज को, जैसे रशिया चाइना हमें सपोर्ट करते हैं इंडिया के खिलाफ फैट ऑफ था या जो भी इशूज था। नेक्स्ट है यूएन इज अनेबल टू डील विद द स्टेट्स रियल पॉलिटिक पॉलिसीज। अब जो स्टेट्स हैं ना वो रियल पॉलिटिक की पॉलिसीज को लेके चल रही हैं, लेकिन यूएन कुछ भी नहीं कर पा रहा है, यूएन उसको डील नहीं कर पा रहा है, ये उसकी लिमिटेशन है। रियल पॉलिटिक का क्या मतलब है, आपने जैसे देखा अगर ये जो तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान का इशू था उसमें भी नहीं हुआ, आर्मीनिया का इशू आप यहाँ पर डालें, आर्मीनिया और अज़रबैजान का इशू डालें इसमें, कि उन्होंने खुद अपनी स्टेट्स को, अज़रबैजान के स्टेट्स को आप यहाँ लिखें, ठीक है, वो रियल पॉलिटिक की पॉलिसीज चल रही है। रशिया रियल पॉलिटिक की पॉलिसीज कर रहा है, चाइना कर रहा है ताइवान के अंदर, तो इतनी सारी स्टेट्स इस तरह के काम कर रही हैं, लेकिन यूएन उनको डील नहीं कर सक रहा। यूएन रियल पॉलिटिक का मतलब है रियलिज्म की पॉलिसी, पावर की परसू कर रहे हैं। $2 ट्रिलियन से ज़्यादा बजट हो गया मिलिट्री बजट, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई उसको कोई कुछ रोक नहीं पा रहा, वर्ल्ड का बजट में कहना चाह रहा हूँ।
अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इज सबमिसिव रोल ऑफ द जनरल असेंबली इन फ्रंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो मैंने ऊपर ये बात की है जो इम्तहान का सिस्टम है ना वीटो पावर, तो वीटो पावर की वजह से ना आपकी सिक्योरिटी काउंसिल का जो है सिक्योरिटी काउंसिल ऊपर है और जनरल असेंबली जो है ना जिसके अंदर सारी स्टेट्स आते हैं उनका रोल नहीं। हालांकि ये कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है, ये कोई तो डेमोक्रेसी तो परमिट वो ही नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ तो रियलिज्म लेके चल रहे हैं ये लोग। तो ये रियलिज्म का बेसिकली ये जो इसको शिज्म कह लें, शिज्म जैसे शिज्म इन द सोल होता है, इसी तरीके से शिज्म इन द पॉलिसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कह लो, यूनाइटेड स्टेट्स कह लो, यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से ही तो ये सारी वीटो पावर वगैरह रखी थी ना, तो ये रोल इसका सबमिसिव चल रहा है। नेक्स्ट इज जो लिमिटेशन बता रहे हैं, ग्रेट पावर इन्फ्लुएंस यूनाइटेड नेशन डिसीजन मेकिंग एंड फुलफिल देयर इंटरेस्ट। यूनाइटेड नेशंस की डिसीजन मेकिंग को जो है ना ये इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना है, बिकॉज दे हैव द ग्रेटर से इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है ग्रेट पावर्स आर एक्टिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ यूएन। वैसे तो ग्रेट पावर्स के आप इसी के अंदर लिख दें ये जो आपका ऊपर वाला मैंने लिखा है, रियल पॉलिटिक के पॉलिसीज में ही आ रहे हैं, लेकिन ग्रेट पावर्स को ये नहीं कंसेंट के बगैर एक्टिंग कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो कि उसके मैंडेट की लिमिटेशंस का वायोलेशंस होती जा रही। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकैपेसिटी ऑफ द यूएन इन रिजॉल्विंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द केस ऑफ कश्मीर, पैलेस्टीन, यूक्रेन। तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा कि इसकी इनकैपेसिटी नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ वीटो पावर कह लें, बिकॉज ऑफ डिवीजन कह लें, पोलराइजेशन कह लें ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज एक्सेसिव यूज ऑफ वीटो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अलायंसेस। अब मैंने ये ऊपर बात भी कर दी थी कि यूनाइटेड नेशन या दूसरे अपने चाइना वगैरह जो है ना सारे एक्सेसिव वीटो का यूज़ करते जा रहे हैं विदाउट एनी लेजिटिमेट रीज़न, बस फैसिलिटेट करने के लिए अपने एलाइज को ये वीटो पावर यूज़ करते हैं, इस वजह से वर्ल्ड एक डेडलॉक सिचुएशन की तरफ जाती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट्स डू नॉट ब्रिंग देयर इशूज़ ऑन द यूनाइटेड नेशन फोरम बिकॉज ऑफ इट्स डिवीजन। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन के फोरम पे लेके नहीं आ रही स्टेट्स अपने इशूज़ को, जैसे लेबनान इसराइल का इशू आप देख, लेबनान इसराइल की जो डील है वो नहीं हुई यूएन के प्लेटफॉर्म से, आपके अजरबैजान आर्मेनिया का जो मैंने केस बताया वो नहीं हुआ, इसी तरीके से ताइवान चाइना का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो जितने वर्ल्ड के मसले चल रहे हैं ना इस टाइम वो कोई भी यूएन के फोरम पे नहीं लेके जाता, जैसे पाकिस्तान इंडिया का इशू है वो भी तो मना, उन्होंने भी कह दिया कि भाई यूएन नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि हमने शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था 72 में इसमें हमने ये बोला था कि पाकिस्तान और इंडिया खुद रिजॉल्व करेंगे अपना इशू। नेक्स्ट है इनकैपेसिटी टू डील द क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। अब ये भी हमें नज़र आ रहा है कि यूएन क्लाइमेट की डील भी नहीं कर सकता, आपका है जो यूएनएफसी जो भी इसका क्लाइमेट एक्सचेंज फोरम है पीसी वाला, वो कितनी रिपोर्ट्स देता है उसके क्लाइमेट साइंटिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशंस के देते हैं, लेकिन ओवरऑल इस पर काम नहीं हो रहा। COP27 भी सही रही लेकिन पता नहीं इसके इतने ज़्यादा आउटकम्स तो आए नहीं, ये तो हमें ओवरऑल विद टाइम ही नज़र आएंगे, लेकिन वर्ल्ड फिलहाल सारी फैक्ट फिगर्स ये बताते हैं कि जो फिलहाल जो नेशनल डिटरमाइन जो इनकी पॉलिसी जो सबने जमा कराए हैं ना, वो उससे ये शो होता है कि 2 सेंटीग्रेड से ऊपर तो पक्का वर्ल्ड चली जाएगी 2050 के अंदर लाजमी। अभी फिलहाल जो वर्ल्ड है 1.15 सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो यूएन इसमें हमें इनएफिशिएंट नज़र आता है। नेक्स्ट इज एनर्जी क्राइसिस एंड द इकोनॉमिक मेल्टडाउन इज बियॉन्ड यूएन मैंडेट। यूएन इसको कंट्रोल कर ही नहीं सक रहा, ओवरऑल IMF की पॉलिसी इतनी हार्श है, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी इतनी हार्श है, ओवरऑल ग्लोबल एक रिसेशन की तरफ जाता जा रहा है, वर्ल्ड एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर चुके हैं काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है उसके अंदर ये लिखा हुआ था, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अंदर आई है ये बात, आपके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट करते जा रहे हैं ग्लोबल रिसेशन को, जिसमें आपकी इकॉनमी को बूस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इकोनॉमिक बूस्ट कम आ रहा है, ग्लोबल जो इकॉनमी है GDP वो स्लो डाउन करती जा रही है, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमिक है ना अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है, कि अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही, ओवरऑल होता ही है कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ी होती है और आपकी GDP स्लो हो रही होती है, लेकिन अभी यहाँ उल्टा सीन चल रहा है, एक न्यू काइंड ऑफ रिसेशन आ रहा है जिसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं सारे। तो ओवरऑल इस तरीके से आपने इस चीज़ को लेके चलना है यूनाइटेड नेशन को, इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड हो सकती हैं, थोड़े टॉपिक का स्कोप थोड़ा कम है, आपको एक्सपेंड करना होता है, डेवलपमेंट्स लिख के और सारी चीज़ों को लिखना होता है। तो डैट्स ऑल फॉर टुडे, ये था यूनाइटेड नेशन का, नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अनदर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।